बिहार में इन दिनों चमकी बुखार का कहर है और इसके चपेट में 140 बच्चे आ गए हैं। आपको बता दें कि इसके लिए बिहार सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। जो लापरवाही बच्चों के प्रति सरकार ने बरती है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि प्रशासन कितना गैर जिम्मेदाराना हो चुका है। खैर, ये तो रही प्रशासन की बातें, लेकिन आपको बता दें कि हमारे भोजपुरिया स्टार इससे काफी आहत है। इसीलिए तो खेसारी लाल यादव झट से मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां सभी के परिजनों का हाल समाचार लिया। बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने हॉस्पिटल में तकरीबन ऑक्सीजन मुहैया करवाई है और लगातार वो डॉक्टरों के संपर्क में हैं कि उनसे जितनी मदद बन पड़े वो करेंगे। वैसे खेसारी हमेशा विवादों में रहते हैं, लेकिन जब परोपकार की बात आती है तो वो सबसे आगे होते हैं। इन सबसे विपरीत पवन और दिनेश लाल यादव निरहुआ बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि इस खबर से बेखबर है। तभी तो अभी तक न ही पवन की और न ही दिनेश लाल यादव निरहुआ की कोई भी संवेदना सोशल मीडिया से लेकर हर एक प्लेटफॉर्म पर कोई खबर नहीं आई है, या इनसे आहत होकर कोई ट्वीट किया हो ऐसा भी नहीं है। आपको बता दें कि पवन सिंह इन दिनों अपनी पत्नी ज्योति सिंह को मनाने में लगे हैं और वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ दिल्ली के मंत्रियों से अपने आशीर्वाद की और आगे आजमगढ़ में वो किस तरह काम करे इसकी प्रेरणा ले रहे हैं, या यूं कह ले इसकी शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन इन दोनों सुपरस्टारों को बिहार ने ही सुपरस्टार बनाया है। इनका फर्ज है कि बिहार के हर दुख और सुख में ये पहले खड़े हों। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि खेसारी लाल यादव के इस पहल पर दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह की क्या प्रतिक्रिया रहती है, वो किस तरह का बयान देते हैं या किस तरह की मदद मुजफ्फरपुर में हुए इस दर्दनाक हादसे पर देते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।